है कि एक एंड्रॉयड सेट में प्राइमरी वोल्ट और सेकेंडरी वोल्ट क्या होता है और कहाँ कहाँ डायरेक्ट रूप से वोल्ट जाता है और कहाँ कहाँ इनडायरेक्ट रूप से वोल्ट जाता है। तो हम सबसे पहले बैटरी कनेक्टर जो यहाँ पे हम बोलते हैं डीसी, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, तो उसके कोई भी एंड्रॉयड हो या सैमसंग हो या ओप्पो हो या वीवो हो या रेडमी हो या एप्पल हो, सब में डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी लगा होता है, उसी में चार्जिंग आईसी बिल्ड होता है। ठीक, क्या होता है कि सबसे पहले प्राइमरी वोल्ट इसको मिलता है, प्राइमरी वोल्ट डायरेक्ट रूप से इसको मिलता है और ये तीन सेक्शन में चेंज कर देता है और इसको यहाँ से एक सेक्शन वोल्ट पीएफओ को प्राइमरी वोल्ट जिसको बोलते हैं यहाँ चल जाता है और दूसरा पावर को आ जाता है। ठीक, यहाँ क्या होता है कि इसके परिपाक में कहीं अगर शॉर्टिंग भी हो, पीएफओ शॉर्टिंग हो या पावर शॉर्टिंग हो या रैम हो या सीपीयू हो या आरएफआईसी हो, ये अगर शॉर्ट भी हो जाए फुल शॉर्ट, तो बैटरी कनेक्टर पे बीप रेंज या कंटिन्यूटी बजर रेंज नहीं बजेगा, वहाँ ये बताएगा कि सेट लीक है या सेट हाफ शॉर्टिंग है। और इसलिए ये बनाया गया कि ये फुल शॉर्टिंग के दौरान सेट ओवर हीट हो करके और बैटरी आवाज़ कर जाता है, ये ख़राब होने का चांस ज़्यादा था, इसलिए कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर इससे जो वोल्ट आ रहा है इससे लेकर के और आउटपुट वोल्ट पावर आईसी को दे देता है और पावर आईसी अलग अलग रैम सीपीयू आरएफआईसी को वोल्ट देने का काम करता है। जैसे कि एक 1.8 वोल्ट रैम को मिलता है, 2.8 वोल्ट सीपीयू को मिलता है और 2.8 वोल्ट आरएफआईसी को मिलता है और इससे वर्क करता है, लेकिन ये सब सेकेंडरी वोल्ट कहलाएगा। कौन सा वोल्ट कहलाएगा? सेकेंडरी वोल्ट कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी वोल्ट होगा जो कि पहला वोल्ट यहाँ आ, इससे पहले अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट हो या कैपेसिटर शॉर्ट हो ये दोनों तरफ बीप मारेगा, लेकिन इससे आगे की तरफ यहाँ का ये कैपेसिटर अगर बीप होता है तो ये बीप नहीं होगा, इसलिए कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर ये आउट टू वोल्ट करेगा लेकिन इन वोल्ट होने नहीं देगा, इसलिए कि इधर का पार्ट्स अगर फुल शॉर्टिंग भी हो जाए तो यहाँ आपको हाफ शॉर्टिंग बताएगा, लीकेज बताएगा, ना कि यहाँ बीप आएगा। इससे डीसी टू डीसी कन्वर्टर से ऊपर का कैपेसिटर, मानुला कैपेसिटर या यूनिवर्सल कैपेसिटर या जीना डायोड जो भी शॉर्ट हो जाए तो आपको ये दोनों बीप मारेगा। अगर यहाँ बीप मार रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्राइमरी सेक्शन जो आ रहा है डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे वोल्ट आ रहा है, इससे पहले का कैपेसिटर या दो पत्ती लगा है या पैरेलल रूप से जो लगा कैपेसिटर है वो शॉर्ट है और इस पर हम काम करेंगे। अगर यहाँ दोनों तरफ से चल रहा है तो हम ये जानेंगे कि ये इधर का कैपेसिटर शॉर्ट है, लेकिन हम अगर देखेंगे कि कोई भी सैमसंग का फ़ोन डीसी पावर सप्लाई मशीन पर लगाते हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव लगाते हैं, 2-5% तक खर्च करता है लगाते ही, स्विचिंग से पहले खर्च करता है, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी खराब हो सकता है या इसके परिपाक में पावर आईसी या फुल शॉर्टिंग हो सकता है। इधर कोई फुल शॉर्टिंग हो जाए यहाँ पे 2-5% का बीच में शॉर्टिंग लगाते ही डीसी सप्लाई मशीन एम्पियर खर्च करने लगता है और हम जानते हैं कि इसके या तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी खराब है या उसके आउटपुट में सेकेंडरी वोल्ट जहाँ जहाँ जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग। लेकिन हम ये भी जानेंगे, कैसे जानेंगे सर कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी खराब है कि नहीं है या इसके परिपात में खराब ही है? तो इसके परिपात में एक क्वाइल लगा हुआ है, ये क्वाइल लगा हुआ है जो कि बूस्ट क्वाइल होता है। बूस्ट क्वाइल को जब हम ओपन कर देंगे यहाँ से डीसी टू डीसी कन्वर्टर के आईसी के नज़दीक, इसमें चार्जिंग आईसी भी इनबिल्ट है जो आउटपुट यहाँ से चार्ज वोल्ट देने का काम करता है, तो हम क्या करेंगे, ये खराब है कि आउटपुट में खराबी है ये जानने का एक भयानक तेक्निक हम बताते हैं कि यहाँ हम हटा लेंगे तो यहाँ दो जगह, यहाँ से हम क्वाइल ओपन कर लेंगे यहाँ दो स्पेस बचेगा और स्पेस बचेगा तो हम कंटिन्यूटी में दोनों तरफ हम बीप रेंज कंटिन्यूटी में चेक करेंगे। अगर ये पोल बीप मार रहा है कंटिन्यूटी में तो इसके परिपात में पावर आईसी शॉर्ट है, अगर ये बीप मार रहा है तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी शॉर्ट है या उसके नज़दीक लगा कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, समझ लगे ना? ऐसे हम नहीं मालूम करेंगे कहाँ शॉर्टिंग है, लेकिन ऐसे हम तुरंत मालूम कर लेंगे कहाँ शॉर्टिंग है।
कि हम ये क्वाइल हटा करके उसका इनपुट और आउटपुट चेक करेंगे। इनपुट अगर में शॉर्टिंग होगा, ये अगर ये बीप मारता है अगर, तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी या चार्जिंग आईसी दोनों इनबिल्ट है, इसमें खराबी है, या ये मार रहा है कि पावर आईसी में फुल शॉर्टिंग है। और इसके इर्द गिर्द लगा स्पेयर को या पार्ट्स को या कैपेसिटर को हम लोग ट्रेस करके निकालेंगे कौन सा शॉर्ट है, या ये आईसी शॉर्ट होगा, या इसके नज़दीक लगा कैपेसिटर, यूनिवर्सल कैपेसिटर, नॉर्मल कैपेसिटर जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीसी, तो वो शॉर्ट होने का चांस बनता है। अगर सबसे पहले आईसी अगर हीट होता है, अगर यहाँ हम मान लीजिए कि मालूम है सर ये बीप मार रहा है हमको, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर पर काम करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ फिर हम लगा करके डीसी सप्लाई मशीन देखेंगे, डीसी सप्लाई मशीन लगाते ही जो 3-5% शॉर्टिंग बता रहा था, लगाते ही वो शॉर्टिंग चला जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा प्रॉब्लम इसके यही पे। इसलिए कि लिंक तोड़ते ही, पथ को ओपन करते ही यहाँ का शॉर्टिंग चला गया, और यहाँ से यहाँ तक अगर शॉर्टिंग है तो हम क्या करेंगे कि शॉर्ट किलर हम यूज करेंगे या कोई भी बैटिक से बनाया हुआ, और यहाँ पे हम ग्राउंड कहीं पे रख करके और यहाँ पे हम पॉजिटिव लेग लगाते हैं, इसके परिपात में ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट होगा ये हिट करेगा या इसके आईसी हिट करेगा, इससे हम मालूम कर लेंगे कि इसमें प्रॉब्लम है या ये कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, ये भी मालूम कर सकते हैं। वैसे ही अलग अलग क्षेत्र में लगा कैपेसिटर सब में इसके अंदर जाते ही उससे आगे कैपेसिटर लगा हुआ है जो सेकेंडरी वोल्ट के लिए काम करता है, उस कैपेसिटर को हम दोनों तरफ से चेक करेंगे, अगर बीप होगा या कम मान में देखिए कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटर मान लीजिए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का टेस्टिंग होता है, कैपेसिटर ऐसे ऐसे चलाएंगे तो नहीं चलना चाहिए, और चलना भी चाहिए तो पुनः जीरो हो जाना चाहिए, तो उसको ओके मानते हैं। अगर दोनों तरफ से चल रहा है तो कैपेसिटर लीक है, और दोनों तरफ से बीप मार रहा है तो कैपेसिटर फुल शॉर्ट है। दोनों अवस्था में हम कैपेसिटर को चेंज ही करेंगे। अब जैसे कि हम कैसे बताए कि इसमें शॉर्टिंग है, कैसे हम निकाल रहे हैं इसको, नहीं तो मान लीजिए हम ये निकाल दिए फिर पावर आईसी निकाल दिए, कितना चीज़ को हम रिवॉल्व करेंगे, कब कब करेंगे, लेकिन हम ट्रेसिंग से ही मालूम कर लेंगे। आपके पास डीसी सप्लाई मशीन है, वो लगाते ही यहाँ 2-5% के बीच में शॉर्टिंग स्विचिंग देने से पहले आ जाएगा, एम्पियर खर्च तो करेगा, 100% जानेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी खराब है, या उसके आउटपुट में सेकेंडरी वोल्ट जहाँ जा रहा है उसमें शॉर्टिंग है। हम लोग यहाँ तक पहुँचे, समझने की कोशिश किए, जाने कोई दिक्कत नौ सौ